हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश। आज कुछ अच्छा सीखते में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरीवाल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप आरीवाल को पूरा समझ सकें। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछे कि आरीवाल के बारे में कुछ डिटेल जानकारी उनको दे दे, तो मैं आज खुद आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PCC किया है, एज पर ड्राॅइंग इसका थिकनेस 150 mm है, चौड़ाई 350 mm है। आप देख सकते हैं यहाँ पैनल इरेक्शन हो चुके हैं और पीछे में हम लोगों ने ग्राउटिंग किया है। ठीक है सर, ये जो फर्स्ट पैनल है बॉटम पैनल है छोटा सा, सेकंड वन इज ये फोर पैनल है जो मैक्सिमम नंबर में ये पैनल यूज होते हैं, और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वुडन लॉग है और ये टायर रॉड आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए ये दोनों पैनल को क्लैंप से कस के खड़ा रखते हैं। दोस्तों, इसे वुडन वेज कहते हैं, थोड़ा टूट गया है, ये बहुत काम आता है आपको बैक साइड में, फ्रंट साइड में, जहाँ भी पैनल को अलाइनमेंट करनी है तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक लिफ्टिंग टैकल के ज़रिए ये पैनल को, पहले छोटे बिटू पैनल को रखा जाता है, उसके बाद ये बड़े F4 पैनल्स को डाला जाता है, उसके बाद इसका अलाइनमेंट करने के बाद इसमें ग्राउटिंग की जाती है। ग्राउटिंग करने के बाद इसे बेड बनाया जाता है, जो 2 मीटर का पोर्शन होता है वहाँ पे हम लोग मिनरल यूज़ करते, जो कि सामने आप देख सकते चल रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइट कलर का चिपकाया हुआ है, ये जियो टेक्सटाइल है, जो कि 100 mm विड्थ है उसकी, 40 mm एक साइड, 40 mm एक साइड, और बीच में जो 20 mm है उसका गैप, तो उसे कवर कर लेता है ताकि जो मिट्टी पार्टिकल है वो बाहर निकले ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये F4 के पैनल है, उसके ऊपर जो थोड़े थोड़े हाइट में पैनल्स हो जाते हैं, तो ये मैचिंग पैनल्स है सारे। इसके अंदर आप मैच पैनल डाल देंगे तो यहाँ पर ये आरीवाल क्लोज हो जाएंगे, जैसे आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं एक लाइन में यहाँ पे ये है, तो जो कि यहाँ ऑफसेट बने हुए है 200 mm का, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, फिर यहाँ पे ऑफसेट बना है। इसे मैच करने के लिए ऊपर में 100 mm, 100 mm से लेके 300 mm तक एक कोपिंग बीम डाली जाती है, ताकि वो पैनल को पकड़ के रखता है और अपना एक फाइनल लेवल आता है जिसके ऊपर हम लोग ड्रेन का काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो 2 मीटर पोर्शन होता है पैनल से, उसे हम ज़्यादातर मिनी रोलर से 1 to 2 टन का जो रोलर होता है उससे हम रोलिंग करते हैं, ताकि जो भी यहां पे लोड आए वो बड़े रोलर से ज़्यादा वाइब्रेशन जाने के चांस होते हैं या फंसने के चांस होते हैं, तो पैनल की जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा भाग सकता है, तो इसीलिए हम इसको मिनी रोलर यूज़ करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं, जब बेड बन जाता है तो इस तरह से हम लोग इस पर वाटरिंग करते हैं, पैनल के पास में भी पानी डालते हैं, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रा से पैनल यहाँ अनलोडिंग होते हैं और हम यहाँ पे रख देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पाइप का होल, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पैनल में होल दिया है, ये ड्रेनेज पाइप के लिए है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब जियो कंपोजिट कैसे लगाते हैं, इसके अंदर पाइप कैसे फिक्स करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे ड्रेनेज किया गया है, जिस पाइप से होल करके हम लोगों ने पाइप डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे होल पाइप किया है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे वुडन वेजेस भी लगाई गई है, और ये वुडन लॉग और टैकल भी यहाँ यूज़ किया गया है। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे जियो कंपोजिट कहते हैं, तो हम उसको नज़दीक से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सेमी परफोरेटेड पाइप है जिसका डायामीटर 160 mm है, जो कि 50% पाइप में होल नहीं है, 50% पाइप में होल है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं जियो कंपोजिट जो फिक्सिंग का काम यहां पे चल रहा है, आप इसके अंदर देख सकते हैं
ऐसी प्लास्टिक की काली स्ट्रिप रखी गई है और ये जो दो पीसेस है वो लगाए गए, और इसको हम लोग इस पाइप में बॉटम साइड में रैप करके पूरा 360 डिग्री में यहाँ पे, जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं, खड़ा करके नीचे पाइप रैप करके जो होल मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे ये होल है, यहाँ से आउटलेट में पानी दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप को पूरा 360 डिग्री में रैप करके इसके ऊपर लगाया गया है। दोस्तों मैं आपको जियोग्रिड फिक्सिंग के बारे में बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ ये ईपीडीएम पैड है, आपने देखा नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ। ये दो पैनल के बीच में रखा जाता है, ये जो नीचे निकला हुआ पोर्शन है वो पैनल में एक ग्रू बना होता है, उसके अंदर ये फिक्स किया जाता है और इसके ऊपर ये पैनल रखा जाता है। ये इसे वुडन वेजेस कहते हैं, जो कि पैनल के अलाइनमेंट में काम आता है। बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड ये लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हुक है, 8 mm 10 mm 12 mm जो भी स्क्रैप मटेरियल होता है वहाँ उससे हम इसको बनाते हैं। ये जियोग्रिड फिक्सिंग में काम आता है। इसे लिफ्टिंग इसे हम लोग कनेक्टिंग रॉड या कहते हैं, और ये गैलोनाइज किया गया है ताकि इसे करोजन ना लगे। अभी हम देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जाता है। इन बिटवीन मैं आपको बता दूँ इसे टायरॉड भी यहाँ है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जियोग्रिड कैसे फिक्स किया जाता है। देखिए 300 mm की स्ट्रिप है, ये जितना कटिंग लेंथ दिया है ड्राइंग में दिया होता है तो हम उसको डबल कर लेते हैं, ओवरलैप फुल जितना कट दिया है उससे डबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कनेक्टिंग रॉड और लिफ्टिंग टैकल है। इन बिटवीन आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक जगह पे कट किया है जियोग्रिड का थोड़ा सा, इसको बीच में यहाँ पे फंसा जाता है और इसके अंदर इस तरह से ये फंसा जाता है। अब इसे खींच के दिखाओ इसको। हाँ, इसे खींचने के बाद जिस एंगल में इन्होंने पकड़ के रखा है उसी एंगल में ज़मीन में इसको, मिट्टी के बेड में इसको फिक्स किया जाता है, जो कि हमने बताया आपको जो यू हुक है उससे इसे फिक्स किया जाता है। और देखो दोस्तों, जहाँ पे कॉर्नर आता है वहाँ पे हमको कॉर्नर यहाँ पे कास्टिंग सीटू कास्ट करना पड़ता है। हमारे पास उसके लिए शटर बनाया जाता है और हम इसे सलिया डाल के इसको यहाँ पे कट पैनल कास्ट करवा के यहाँ पे मंगवाते हैं और ये कास्टिंग हो जाता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जियोग्रिड है, ये स्ट्रिप्स में आता है, इसमें कलर कोडिंग होता है, बहुत सारे ग्रेड होते हैं 60, 40, 80, 150, 200। तो इसके ऊपर जो कलर कोडिंग है उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से। और रही बात आखिरी दोस्तों जो कि इसमें फिल किया जाने वाला, मैक्सिमम आरी फिल में ज़्यादातर सैंडी मटेरियल डाला जाता है और ये मिट्टी जो देख रहे हैं ये सैंडी टाइप है, ये रिवर सैंड है, इसे मॉइस्चर ही बहुत काफ़ी अच्छा है और ग्रेडर से इसे ग्रेडिंग करके रोलिंग किया जाता है। और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बहुत समय लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।